नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। क्योंकि पाठक स्कूलों की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नवगछा के मध्य विद्यालय डुमरिया सैदपुर हाई स्कूल एवं SBC इंटर स्तरीय स्कूल लती पाकर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय डुमरिया स्कूल में सफाई और स्कूल के लचर व्यवस्था को देख नाराज हो गए और स्कूल के प्राचार्य को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे दिया। वहीं उन्होंने स्कूल की व्यवस्था को सही करने का निर्देश दिया। वहीं अपर मुख्य सचिव उच्च विद्यालय सैदपुर में क्लासरूम, शौचालय और प्रयोगशाला के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान के पाठक ने बच्चों से भी बात की। बच्चों से बातचीत के दौरान के पाठक ने पढ़ाई के अलावा खेल कूद की भी पूरी जानकारी ली। स्कूल में करीब एक घंटा गुजारने के बाद पाठक स्कूल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं SBC इंटर स्तरीय हाई स्कूल लतीपाकर निरीक्षण के दौरान के पाठक ने स्कूल में चल के वार्षिक परीक्षा के बारे में शिक्षकों से जानकारी ली और स्कूल की व्यवस्था देखकर काफी खुश हुए, जिसके बाद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में देर शाम शांतिपूर्ण सभी बारात और शिवरात्रि संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी और SSP ने शांति समिति सदस्यों के साथ वार्ता कर सुझाव लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी त्यौहार को लेकर सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए संवेदनशील जगहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सभी बारात को लेकर के अभी एक बैठक आयोजित की गई और आगामी हमारा एक बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भी है और एक लोकतंत्र का महापर्व है। सभी अवसरों को देखते हुए शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक की गई है। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने ये प्रस्ताव को पारित किया है कि DJ का किसी भी पर्व में DJ बंद हो, शांति समिति के सभी सदस्यों ने पारित किया है। दूसरा कि यदि शहर में एक निश्चित क्षमता से अधिक साउंड DJ बजता है, उस सबको भी प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा कि सभी सदस्यों ने ये जिम्मेवारी लिया है कि हम अपने इलाके में जितने भी पर्व हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से कराएंगे और कुछ जगहों पे साफ सफाई को लेकर के इश्यूज था जो हमने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया है। कैसे होगा संडे का फंडे? GR7 चाय अपनों के लिए, ढेर सारा उपहार GR7 चाय के साथ। भागलपुर जिले के 13 OP को अपग्रेड करते हुए थाना का दर्जा दिया गया, साथ ही 2 अनुमंडल में अपर अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। इससे आम जनों को काफी सहूलियत होगी। अब उन थानों में भी FIR की जा सकेगी। जिन 13 थानों को अपग्रेड किया गया है, 2 CGPO पद भी बहाल किए गए हैं, पहला भागलपुर सदर में और दूसरा कहलगांव अनुमंडल में। इस पहल से अब केस पेंडिंग कम रहेगी और विधि व्यवस्था संसाधन में भी सहूलियत मिलेगी। बेहतर पुलिसिंग के लिए दियारा क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा रही है। विक्रमशिला पुल के नीचे भी पुलिस चौकी बनाई गई है, जहां 24 घंटे पुलिस गश्ती करती रहेगी। दियारा क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए जो पुलिस कैंप व STF की कैंप बनाई गई है, उसके जवानों को मोटरसाइकिल दिया जा रहा है। साथ ही जल्द उन्हें अश्वरोही की भी व्यवस्था दी जाएगी। अब घोड़े के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से दियारा क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस गश्ती करती दिखेंगी। भागलपुर जिला में 13 OP को अपग्रेड करते हुए, उत्क्रमित करते हुए थाना का इसमें इनको दर्जा दिया गया है और 2 अनुमंडल में अपर पुलिस अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। अब पोस्ट क्रिएट किया गया है और उसको सैंक्शन दिया गया है। तो 13 OP को थाना में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे कई फायदे होंगे, आम जनता को भी फायदा होगा और पुलिस को भी फायदा होगा। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं कहीं भी कभी भी। 20 फरवरी की रात्रि में भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर से अज्ञात द्वारा पीतल के कलश चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में विषहरी पूजा के अध्यक्ष द्वारा लिखित आवेदन पर नाथनगर थाना में केस दर्ज किया गया था। वही पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से विगत रात्रि रूपलाल मालाकार को चोरी की गई कलश के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार रूपलाल यादव एक शराब के नशे में कांज में जेल भी जा चुका है। वही पुलिस ने छापेमारी के दौरान पीतल का 2 सर्प कलश बड़ा और 2 सर्प कलश छोटा बरामद किया है। आज का PC 2-3 महत्वपूर्ण मामले संबंधित है, जिसमें एक मामला नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। 20 तारीख को रात्रि में
बिसहरी मंदिर से कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मूर्ति से कुछ कलश की जो चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए SSP सर के द्वारा एक विशेष टीम बनाया गया। इसमें नाथनगर थाना अध्यक्ष और उनकी पूरे टीम जो कि पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम रूप लाल मालाकार है, जो कि चंपा लाल रोड थाना नाथनगर का रहने वाला है। सुल्तानगंज के रविदास नगर दुधैला में संत शिरोमणि गुरु रविदास के 647वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मध्य विद्यालय कुमारपुर कचहरा के प्रधानाध्यापक जमादार दास के नेतृत्व में संत रविदास के जयंती समारोह में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक बच्चों को कॉपी और कलम देकर प्रोत्साहित करते हुए सभी बच्चों को पढ़ने की सलाह दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद शोभा देवी, पार्षद प्रतिनिधि शंकर दास, समाजसेवी संत सुनील दास, डॉक्टर नंदकिशोर दास, पंडित दास, सेवानिवृत्त शिक्षक मोहन प्रसाद मंडल सहित स्कूली बच्चे मौजूद थे। सैकड़ों बच्चों को कलम और कॉपी दे करके प्रोत्साहित कर रहे हैं। कितने कितने क्लासेस के बच्चों को दे रहे हैं? 1 से 9 क्लास तक बच्चों को दे रहे हैं। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा के अवसर पर बिहार व झारखंड के लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा के महत्व के बारे में अजगैबीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि आज के दिन गंगा स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। इसको लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव द्वारा गंगा घाट में बैरिकेडिंग, नाव, साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन के निर्देश पर गंगा घाट चौक चौराहों पर सुरक्षा बल, महिला सुरक्षा बल, ग्राम रक्षा दल की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार के शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी मुस्तैद देखे जा रहे हैं। पूर्णिमा को लेकर के सभी भक्तों को, शिव भक्तों को बाबा अजगैबीनाथ के तरफ से, महंत प्रेमानंद के तरफ से धन्यवाद, आशीर्वाद। सुल्तानगंज में नगर पर को जो है हम सुख शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।